हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की इनकम टैक्स रिटर्न काफ़ी सारे लोगों ने फाइल कर दिया है। उसमें से कुछ लोगों की ITR डिफेक्टिव हो चुकी थी, जिसके लिए कि डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस इशू किया था सेक्शन 1399 में। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी ITR को प्रॉपर तरीके से रेक्टिफाई करवाया। इसके बाद उस नोटिस की रिप्लाई लोगों ने सबमिट करी। तो वो ITR अभी तक लोग ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर 10 से 15 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमारी डिफेक्टिव ITR प्रोसेस नहीं हुई है, तो इसके प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग सकता है। दूसरा सवाल दोस्तों ये भी है कि लोगों ने अपने ITR को करेक्ट कर दिया, लोगों ने नोटिस की रिप्लाई कर दी, स्टेटस में ये भी दिख रहा है कि भाई आपकी ITR जो डिफेक्टिव ITR करेक्ट ITR अपलोड हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटस आपको दिखाना चाहूँगा। ये ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न है जो कि फाइल किया गया था 11 जून को, और 11 जून को ही ये क्या किया गया, वेरिफिकेशन इसकी पेंडिंग थी, 13 जून को ये ई वेरीफाई भी कर दिया गया, ठीक है। और 13 जून को ही यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस दिख रहा है, ITR फाइल्ड इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट। 13 जून को ही डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस इशू किए जाते हैं सेक्शन 1399 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि भाई आप क्या करिए, इसकी रिप्लाई आप सबमिट करिए, ठीक है। ऊपर आते हैं, इसका स्टेटस फिर से देखते हैं। ये ITR फिर क्या की गई है कि 13 जून को ही ये ITR फिर से क्या की गई, रिवाइज की गई है दोस्तों। 13 जून को ही फिर से रिवाइज की गई और फिर से यहाँ पे नोटिस आ गया कि भाई आपकी ITR क्या है, डिफेक्टिव है। और दोस्तों फिर से ये ITR 14 जून को भी क्या की गई, रिवाइज की गई, लेकिन फिर से यहाँ पे नोटिस आ रहा है कि भाई ये आपकी ITR क्या है, डिफेक्टिव है। मतलब कि 13 तारीख से लेकर के और 14 तारीख के बीच में ये ITR 2 से 3 बार यहाँ पे रिवाइज की गई है और तीनों बार जो है इस पर्सन को डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आए हैं। तो दोस्तों ये जो ITR है, 13 जून को जब ITR ये फाइल की गई थी ओरिजिनल वाली, तो ITR 1 ही फाइल यहाँ पे किया गया था। और दोस्तों जब आप ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो जब ये 13 जून को फिर से रिवाइज किया गया तो यहाँ पे ITR 1 को ही फिर से रिवाइज किया गया। इसके बाद जब आप पीछे की तरफ आते हैं, 14 जून की स्टेटस यदि हम चेक करते हैं यहाँ पर, ये 14 जून की ITR फिर से ये ITR 1 ही यहाँ पे रिवाइज की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या गलती हो रही है जिसके वजह से कि ITR ये डिफेक्टिव मोड में जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे AIS और TIS ओपन किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि सैलरी है 7,55,000, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड, और रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका यहाँ पे ट्रेडिंग किया गया है, उसका इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट की गई, यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों आपने TIS देख लिया, आप यहाँ पे सैलरी की इनकम पे थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिएगा, 7,55,265 सैलरी की इनकम यहाँ पे दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पे 26AS को जब ओपन किया गया तो 26AS में आप देख रहे हो कि सैलरी है 6,56,114 रुपये, लेकिन दोस्तों वहीं पे जब हम फॉर्म 16 को ओपन करते हैं तो यहाँ भी देख सकते हो आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, 7,55,265 रुपये है। तो हमारी जो फॉर्म 16 की सैलरी है वो TIS से क्या हो रही है, मैच कर रही है, लेकिन फॉर्म 26AS से मैच नहीं कर रही। तो क्या हमें अपनी ITR जो है 6,56 पे फाइल करनी है जो 26AS में दिख रहा है? तो दोस्तों सबसे पहली गलती तो यही होती है कि लोग देखते हैं जहाँ पे सबसे कम अमाउंट दिख रहा है उस अमाउंट को पिक कर लेते हैं और अपनी ITR को फाइल कर देते हैं। वैसे सब लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग जो है फॉर्म 16 को आधार मान करके ही अपनी ITR को फाइल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हमें 26AS, TIS और अपना फॉर्म 16 चेक करना है, तीनों में से जो सबसे ज़्यादा हायर अमाउंट है उस अमाउंट को अपने ITR में रिपोर्ट करनी है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो TIS है उसमें जो फिगर होती है कभी कभी गड़बड़ होती है, वहाँ पे कभी कभी डुप्लीकेट एंट्रीज भी आती हैं जिसका फीडबैक आपको देना पड़ता है। तो आपको 26AS और फॉर्म 16 पे आपको ज़्यादा भरोसा करना है जिसपे कि TDS आपका डिडक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कम दिख रहा है लेकिन आपके फॉर्म 16 में तो 7,55 है, तो आपको फॉर्म 16 वाली सैलरी लेनी है, आपको ये कम वाली सैलरी नहीं लेनी है। और कई बार क्या होता है आपके फॉर्म 16 में सैलरी कम है लेकिन यहाँ पे सैलरी आपकी ज़्यादा दिख रही है, तो आपको फिर ये वाली सैलरी लेकर के चलनी है। तो यहाँ पे सैलरी का आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लोगों ने गलती क्या कर रहे हैं, लोग जब ITR को फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग TIS को देख रहे हैं,
म्यूचुअल फंड वाली इनकम को छोड़ दे रहे हैं और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लोग अदर सोर्सेस में दिखा दे रहे हैं नॉर्मल वाली इनकम में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपकी इनकम है सैलरी और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और एफडी की इंटरेस्ट, ये नॉर्मल टैक्स की इनकम है, यानी कि नॉर्मल रेट से इस पर टैक्स लगता है। तो इसको नॉर्मली अपने आईटीआर में आप दिखाते हो, लेकिन ये जो इनकम है आपकी म्यूचुअल फंड और वर्चुअल डिजिटल एसेट वाली, ये स्पेशल रेट की इनकम है, इस पर स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज होता है। तो लोग गलती यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम है या ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, उसको क्या करते हैं अदर सोर्सेस में लोग नॉर्मल में क्या कर रहे हैं, शो कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि आपकी आईटीआर यहां पे डिफेक्टिव मोड में क्यों जा रही है। सबसे पहला जो कारण है कि यहां पे जो भी इनकम आप देख रहे हैं, इसका इनकम का एक ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कैलकुलेशन कि यहां पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, सेल ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये सारी इनकम आपकी टीआईएस से आ जाती है। तो TIS में जो भी इनकम है उसका एक टोटल जो है निकलना है, ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और जो आप अपने ITR में रिपोर्ट कर रहे हैं वो इनकम आपके इस टोटल इनकम से मैच करनी चाहिए। तो जब आपकी इनकम मिसमैच करती है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आते हैं, सबसे पहला नंबर तो बात यह है। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक कंपेरिजन यहाँ पे किया गया है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट लिया गया और यहाँ पर भी ITR में भी यही भी लिया गया, यहाँ पे नील हो गया डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट 777 और ITR में भी यही रिपोर्ट किया गया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है म्यूचुअल फंड का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि आपको सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में 211,000 यदि टोटल दिख रहा है TIS में, तो ये 211 आपको रिपोर्ट नहीं करना है, इसका आपको कैलकुलेशन करना है, इसका स्टेटमेंट आपको निकालना है कैपिटल गेन वाली कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, वो निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपका नील मैच करना चाहिए इससे। इसके बाद दोस्तों रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल सेट, ये भी हमारा नील हो गया, ठीक। तो जो वैल्यू आपकी TIS में दिख रही है, 26AS में दिख रही है, जो आपने ITR में अपने रिपोर्ट करी है, दोनों ही मैच करना चाहिए। दोस्तों आपने कुछ देर पहले जो अभी ये सिचुएशन देखी थी कि ये ITR 13 जून को फाइल की गई थी, इसके बाद ये ITR 2 से 3 बार रिवाइज की गई थी, लेकिन यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, ये ITR 1 फाइल किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ITR 1 ये फाइल किया जा रहा है, ये टोटली गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्म 16 को आधार मान के सैलरी की इनकम ली जा रही है, सेविंग बैंक FD की इंटरेस्ट ले ली गई, ITR में फाइल कर दे। बहुत सारे लोग क्या करें, ITR 1 में ही ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का अमाउंट है वो डाल दे रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग का अमाउंट डाल दे रहे हैं, जो कि गलत है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है स्पेशल रेट की इनकम, तो इसको अलग से सेक्शन में आपको डालना है। इसे सेक्शन 115BBH में आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट रिपोर्ट करनी है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड को सेक्शन 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सेक्शन 112A में आपको रिपोर्ट करना है। तो आपको स्पेशल रेट वाली जो इनकम है उसको अलग से सेक्शन में वहाँ पर रिपोर्ट करना है, और जो नॉर्मल रेट वाली है वो नॉर्मल में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ITR फॉर्म जो हो रहा है वो हो रहा है चेंज। ITR 2 में ये सारे इनकम आपके जाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ITR 1 फाइल कर रहे हो। जैसे कि आपने भी सिचुएशन देखा था, बार बार ये ITR क्या की जा रही है, ITR 1 में ही ओरिजिनल भी जा रही है, ITR 1 में रिवाइज भी की जा रही है। अब ये सिचुएशन यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपकी इनकम मैच करनी चाहिए, दूसरी आपको करेक्ट ITR फॉर्म्स में इसको रिपोर्ट करना। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब 29 जून को, ठीक है, अब ये ITR फिर से जो है इसको करेक्ट किया गया है। अब इस ITR को करेक्ट जब किया गया तो ITR 2 में सारी इनकम रिपोर्ट की गई, क्योंकि जो आपने अभी TIS देखा था उसके आधार पे इस पर्सन के ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल होता है, और वहाँ पे सारी इनकम को रिपोर्ट कर दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ITR फाइलिंग टाइप में यहाँ पर रिवाइज नहीं दिखा रहा है, बल्कि डिफेक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि सेक्शन 139(9) का जब आप रिप्लाई सबमिट करते हैं ITR को करेक्ट करके, तो यहाँ पे डिफेक्टिव ही दिखाता है। तो 29 जून को दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ITR अपलोड की गई है, और 29 जून से लेकर के अब तक, यानी कि लगभग आज 17 जुलाई हो चुका है, लेकिन अभी तक ये ITR प्रोसेस नहीं हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों लोगों के सवाल हैं कि सर अभी तक ITR क्यों प्रोसेस नहीं हो रही है,
ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जब 29 जून को ये डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस की रिप्लाई दे दी गई, उसके बाद फिर से नोटिस यहाँ पे आ चुका है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आपकी जब डिफेक्टिव ITR होती है, आपको नोटिस जब आता है तो आपको पेंडिंग एक्शन में जाना होता है, ई प्रोसीडिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके डिफेक्टिव रिटर्न्स के जितने नोटिस है आपको दिख जाते हैं। तो हमने यहाँ पे नोटिस ओपन किया हुआ है और देख सकते हैं 29 जून को यहाँ रिस्पॉन्स सबमिशन डेट दिख रहा है, 29 जून को इसकी रिप्लाई सबमिट की गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ITR फॉर्मेट डाउनलोड रिटर्न दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे ITR को करेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दिया गया था। 29 जून को यहाँ पे सबमिट हो चुका है, ITR करेक्ट करके अपलोड कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप 12 जुलाई को ये फिर से यहाँ पे नोटिस आ रही है डिफेक्टिव ITR की, इसके बाद फिर से यहाँ पे 12 जुलाई की आ रही है, फिर से यहाँ पे 12 जुलाई को नोटिस आ रही है, 12 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे 12 जुलाई को करीब 3 से 4 नोटिस यहाँ पे सर्व की जा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे जब रिप्लाई सबमिट हो चुकी है तो फिर से यहाँ पे नोटिस क्यों सबमिट किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिनल ITR के लिए भी अगेन इसका रिस्पांस तो सबमिट कर दिया गया था, लेकिन अगेन 11 जुलाई को यहाँ पे नोटिस आता है, 12 जुलाई को इसकी रिस्पांस दे दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरह जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ITR रिवाइज की गई थी फिर से उसकी नोटिस 11 जुलाई की आई थी, 12 जुलाई को हमने रिस्पांस इसका सबमिट कर दिया था। जो आपने अभी स्टेटस देखा था 12 जुलाई को ही सारे रिस्पांस सबमिट किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पे भी 12 जुलाई को रिस्पांस सबमिट किया, 11 जुलाई को यहाँ पे नोटिस आई। तो दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल ITR हो और ITR को जो रिवाइज किया गया था, ठीक है, तो ITR को रिवाइज किया गया था तो ITR 1 में ही रिवाइज किया गया था, वो भी कई बार, 2 से 3 बार आपने जो ITR रिवाइज किया वो ITR 1 में रिवाइज किया। और आपने जो करेक्ट ITR सबमिट किया ITR 2 वो आपने सबमिट कर दिया, वो ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और उसकी नोटिस भी आपको वहाँ पे नहीं दिखेगी। यदि आप एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप मैच कराओगे तो आपका मैच नहीं करेगा। जो आपकी इनकरेक्ट ITR हैं जो कि आपने पहले रिवाइज की हुई है, उसके लिए आपको फिर से नोटिस दोबारा आ सकता है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने करेक्ट ITR अपनी अपलोड कर दी है, रिवाइज कर दी है, आपने डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस की रिप्लाई सबमिट कर दी है, फिर से नोटिस आता है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर अपना ज़रूर मैच कराना है। और इसमें जो मैंने देखा सारा जो केस है पहले का, जो लोगों ने बार बार रिवाइज किया था और गलत ITR फॉर्म्स में रिवाइज किया था, उसके लिए नोटिस आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप 3 से 4 नोटिसेस आप देख रहे हैं 29 जून के बाद, ये सारी नोटिसेस पहले वाले ITR के हैं जो कि रिवाइज की गई थी, जो कि सही नहीं की गई थी। तो अब आपने जब करेक्ट ITR को सबमिट कर दिया है तो आपको अब वेट करना है और यहाँ पर इसकी रिप्लाई आपको सबमिट कर देनी है। यदि नोटिस आया तो आपको रिप्लाई सबमिट कर देनी है कि हमने करेक्ट ITR सबमिट कर दिया है, उसका डेट एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। तो नॉर्मली जो हमारी ओरिजिनल ITR जब फाइल होती है तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम ITR 1 हो ITR 4 हो तो उसमें 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक का टाइम लगता है नॉर्मल। लेकिन सिचुएशन ये कि ITR की प्रोसेसिंग भी उस स्पीड से होनी चाहिए। असेसमेंट ईयर 24 और 25 में ITR की प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल ही सही से नहीं काम कर रहा है, प्रोसेसिंग तो दूर की बात है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और ITR 2 और 3 की बात करें तो उसमें भी 25 से लेकर 45 दिन का टाइमिंग लग जाता है। वहीं पे यदि डिफेक्टिव रिटर्न्स की ITR यदि आप सबमिट करते हैं या फिर आप रिवाइज ITR करते हैं तो उस केस में आपकी ITR प्रोसेसिंग में कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने तक का टाइम आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, उतना आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर की, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।